आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा 2019 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में। मतलब यहाँ पर मैं आज शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। सब्जेक्ट रहने वाला है केमिस्ट्री का। आप लोग का बहुत डिमांड था कि आंसर की के बाद आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो जल्दी अपलोड कीजिए। तो आज मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना देरी किए हुए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो इसमें मैं क्वेश्चन पहला फिजिकल पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ और फिजिकल पोर्शन में क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ लेंदी क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज 50% बनने लायक क्वेश्चन ही था। तो 50% क्वेश्चन कैसे इजिली सॉल्व करेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, मैं इसको पॉइंट आउट करते हुए चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो लेता हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, इसमें लिया गया है एक मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हुए एक नया यौगिक Y का निर्माण करता है। क्या कर रहा है? N2H4 है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया और एक नया यौगिक बनाता है Y। लेकिन इसमें कंडीशन देता है यदि सभी नाइट्रोजन के यौगिक उस यौगिक में प्रेजेंट है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वाई उसमें टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो कि 2 है, तो दोनों नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक, तो वाई में जो नया यौगिक बना है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है। कंडीशन फिर एक दिया कि यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो N2H4 आपका क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है और ये क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें टोटल का टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको मैं वाई बोल देता हूं। ठीक, ये वाई यहां पर इस प्रकार से बनाया। यहां पर बोलता है ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब यहां पर +10 चार्ज आने वाला है, इतना तो आप बोल सकते हैं। ठीक, अब यहां पर बोलता है कि नया ये जो वाई है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ओवरऑल देखेंगे तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +10 मिल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं यहां पर नाइट्रोजन का कितना है, एक्स है, यहां पर तो नाइट्रोजन है 2x मैं लेता हूं। हाइड्रोजन का आपको पता है क्या होता है, +1 होता है, तो यहां पर मैं लिया 4 × +1। ठीक, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2x + 4 = यहां पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, +10 चार्ज दिख रहा है, तो इसको अब इजिली सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर क्या मिला, +6 मिला, x = +3 मिला, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है जिसका, ये वाई यौगिक में नाइट्रोजन का। ठीक, ये क्या है, +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि दर नियतांक का ताप आधारण आर्हेनियस समीकरण दिया हुआ है। ठीक, एक आर्हेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा आर्हेनियस इक्वेशन इस प्रकार से होता है, और इसके लिए बोलता है दर नियतांक का मान निम्नतम कब होगा, रेट कांस्टेंट जो के है उसका मान निम्नतम लोवेस्ट वैल्यू कब मिलने वाला है। ठीक, आप इसको आप एक तो थ्योरेटिकल भी बना सकते हैं और इस जो फॉर्मूला दिया है उससे भी बना सकते हैं। थ्योरेटिकल कैसे, आपको पता होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम ताप बढ़ाते हैं तो आपको पता होगा रेट कांस्टेंट लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट 2 गुना लगभग बढ़ जाता है, तो आपको क्या बोला है लोवेस्ट कब होगा, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, ताप को कम से कम रखना पड़ेगा, कम ताप। दूसरा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया है जिसके लिए आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर आप किसको बोलते हो, जितना ज्यादा एनर्जी बैरियर रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, उतना प्रोडक्ट बनने का संभावना कम रहने वाला है। ठीक, तो वहां से भी आप एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, एनर्जी बैरियर जितना से ज्यादा रहेगा प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा मतलब उसका रेट कांस्टेंट कम रहने वाला है, तो यहां पर एनर्जी वैल्यू का, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब रेट कांस्टेंट कम होगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए वहां पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, तो उसमें देखते हैं तो निम्न ताप एवं उच्च एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, 2A और B+C में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है बोल रहा है, तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य होने वाला है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अभिक्रिया की दर A के वर्ग के समानुपाती होगा। यदि जैसे कि अभिक्रिया की दर A
अभिक्रिया की दर ए के वर्ग के समानुपाती होगा, ए का वर्ग करता हूं ठीक, तो ये शून्य कोटि में जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करता हूं, अगर डबल करता हूं, तो आप देख सकते हैं पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा, अभिक्रिया की दर ए के किसी भी सांद्रता पर समान हो। अगर यहाँ पर अभिक्रिया की दर ए का कोई भी सांद्रता आप लेते हो, दर उतना ही रहे, तो आप क्या बोलोगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे कि मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, शून्य लगाता हूँ, जीरो लगाया, अब इसको मैं डबल करता हूँ तो भी यहाँ पर तो पावर में एक है, ये उस पर चेंज नहीं होने वाला ठीक। तो उस कंडीशन पर ही आप उसको क्या बोलोगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बोला गया है कॉपर एफसीसी जालक के अंतर्गत क्रिस्टलीकृत होता है, कॉपर है एफसीसी जालक के अंतर्गत क्रिस्टलीकृत हुआ है, जिसका एकक सेल किनारा, मतलब यहाँ पर इसकी जो यूनिट सेल है उसकी भुजा की लंबाई दिया गया है आपको 361 पिकोमीटर। कॉपर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? आपको याद होगा जो मैं लेक्चर वाला जो वीडियो जितना भी बनाया हूं, वहां पर हर एक जो कॉन्सेप्ट दिया हूं, वहां हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फंसा हुआ है, और मैं लेक्चर पर ज्यादा वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं हो पाया था। तो जितना भी क्वेश्चन जनरली लेक्चर बना, वहां से क्वेश्चन तो जरूर फंसा है। तो यहां पर भी मैं आपको बताया था एफसीसी कॉन्सेप्ट, वहां पर अगर आपको परमाणु की त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं ये कॉन्सेप्ट लिया था, जैसे कि ये भुजा की, अब यहां पर ये भुजा की लंबाई लेते हैं ठीक, ये क्या है भुजा की लंबाई, और इसी भुजा की लंबाई आपको दिया हुआ है 361 पिकोमीटर, इतना दिया हुआ है ठीक। अब यहां पर बोलता है कि ये जैसे कि ये इस प्रकार से है, और यहां पर फेस सेंटर, मतलब यहां पर भी है, ये टच करते हुए, मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे, फेस सेंटर के लिए बात करते हैं, तो ये जो एक फलक होता है उसका हम डायगोनल पर बात करते हैं, और एक डायगोनल का जो रिलेशन होता है फेस के लिए, वर्ग के लिए बात कर सकते हो यहाँ पर, तो यह होता है 2√2 ठीक। और यहाँ पर ये भुजा की लंबाई है a ठीक, ये इसके इस प्रकार से दोनों के बीच में रिलेशन मिलने वाला है आपको ठीक। तो उस आधार पर इसमें हम बात करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, सॉरी उल्टा हो रहा है, ये जो भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई हम बोल रहे हैं ना, ये भुजा की लंबाई ये 2√2, और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी इसके बीच में रिलेशन मिलने वाला है। तो आपको पता है a का वैल्यू यहाँ पर दिया है 361, और 2√2 r का वैल्यू आपको निकालना है, कॉपर परमाणु की त्रिज्या निकालना है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, √2 को मैं 1.4 लिख सकता हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 128.92 पिकोमीटर ठीक, 128 अराउंड में आपका आंसर दिया हुआ है, और ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, 4 का देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ठीक। अगला देखते हैं, यदि HCl के जली विलयन का मोल प्रमाण, जिसको मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, मोल प्रभाज बोला जाता है जनरली, ये मोल प्रमाण लिखा हुआ है, तथा घनत्व ज्ञात हो तो विलयन की सांद्रता किसके द्वारा परिकलित की जा सकती है? तो मोलरता मात्रा प्रतिशत, जैसे कि ये मोल फ्रैक्शन और घनत्व दिया है तो आप क्या क्या निकाल सकते हो ठीक। तो मोलरता भी निकाल सकते हो और मात्रा प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, अगले क्वेश्चन में, जहां एक क्वेश्चन में फंस रहा है ये ऑप्शन, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ए बी सी तीनों ही निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बोलता है बंद पात्र में PCl5 का विघटन के लिए विघटन की मात्रा आपको दिया है अल्फा, और कुल दाब दिया हुआ है पी, और इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है, और बोलता है निम्न में से कौन सा संबंध सही होने वाला है ठीक। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको रिलेशन दिया हुआ है PCl5 PCl3 + Cl2, सभी गैस है, ये भी गैस, सब गैसियस स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ये एक मोल, ये 0.0 ठीक। रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो बोलता है कि अल्फा भागी बोला है ना, यहाँ पर विघटन की मात्रा अल्फा है, तो इतना विघटित हुआ तो यहाँ पर बनेगा अल्फा और यहाँ पर बनेगा अल्फा, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम इसके लिए केपी का जो रिलेशन देंगे वो कुछ इस प्रकार से देंगे, पी PCl
थ्री यहाँ से इंटू पी सी एल टू बटे पी यहाँ पर हो जाएगा पी सी एल फाइव। ठीक, अब यहाँ पर जो पी पी सी एल थ्री देख रहे हैं, ये जो पी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये आंशिक दाब होता है, ना कि ये कुल लाभ होता है, याद रखिएगा, इसको हम आंशिक दाब के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आंशिक दाब और कुल दाब के बीच में रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले फाइंड आउट ये करना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों के बीच में जब हम रिलेशन बनाते हैं, कुल आंशिक दाब और कुल दाब के बीच में, तो आंशिक दाब बराबर होता है मोल प्रभाज गुणित कुल दाब, इस प्रकार से आप कुल आंशिक दाब को निकाल सकते हो। ठीक, मोल फ्रैक्शन और कुल दाब इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, यहाँ पर कुल दाब तो आपको पता है पी हो सकता है, लेकिन जो मोल प्रभाज है उसको आपको कैसे निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल मोल प्रभाज हम देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे शुरू यहाँ पर मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो मोलों की संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए एक मोल हम लिए थे और एक मोल से अल्फा भाग क्या हुआ, विघटित हुआ, अल्फा भाग बना, मतलब इसका इतना मोल बना, इसका इतना मोल बना और इसका इतना मोल बचा हुआ है। तो कुल मोलों की संख्या क्या मिलेगा आपको, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये मिल जाएगा आपको, अल्फा और अल्फा कैंसल, तो बचा यहाँ पर वन प्लस अल्फा, ये आपका क्या हो रहा है, कुल मोलों की संख्या मिला। ठीक, लेकिन अपने को क्या चाहिए, मोल प्रभाज चाहिए। अब मोल प्रभाज के लिए हम क्या बोलते हैं, जिसका अपने को मोल प्रभाज बनाना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर मैं अब पर्टिकुलर एक एक के लिए निकालता हूँ, तो पीसीएल थ्री के लिए हम कुल मोल प्रभाज क्या बताएंगे, पीसीएल के लिए मोलों की संख्या है अल्फा और कुल मोलों की संख्या है वन प्लस अल्फा, यहाँ से सीएल टू के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर उसकी मोलों की संख्या है अल्फा, कुल मोलों की संख्या है वन प्लस अल्फा, और पीसीएल फाइव के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर उसका बचा हुआ मोलों की संख्या है वन माइनस अल्फा और कुल मोलों की संख्या है वन प्लस अल्फा। ये इसका मोल प्रभाज हुआ, ये इसका मोल प्रभाज हुआ सीएल टू का, और ये पीसीएल फाइव का मोल प्रभाज हुआ। आंशिक दाब कुछ इस प्रकार से होता है, आंशिक दाब आपको यहाँ पर दिख रहा है, सीधा सीधा ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, केपी का वैल्यू अपने को मिलेगा, केपी इज इक्वल टू पीसीएल फाइव के लिए आंशिक दाब क्या मिला, अल्फा वन प्लस अल्फा इंटू अल्फा वन प्लस अल्फा, यहां से दोनों के लिए। ठीक, देखिए सेम है, नीचे में देखते हैं पीसीएल फाइव के लिए, तो वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा, ये हुआ आपका केपी। ठीक, अब इसको कुल लाभ में आपको चेंज करना है, सॉरी यहाँ पर पी भी लिखना पड़ेगा ना, कुल लाभ, यहाँ पर ये पी और ये पी, ये कुल लाभ हो गया, यहाँ पर आंशिक लाभ इसके बराबर से हो गया, सिर्फ मोल फ्रैक्शन था, मोल प्रभाज और कुल लाभ पी पी पी, तो यहाँ पर एक एक पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये मिल जाएगा पी, नीचे बच जाएगा यहाँ पर वन माइनस एक्स सॉरी अल्फा स्क्वायर, वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ये मिला आपको केपी के बराबर। ठीक, केपी के बराबर। अब यहीं से आपको रिलेशन थोड़ा सा घुमाकर बोला है, कुल लाभ और इसके बीच में क्या रिलेशन है, मैं इसको मिटा रहा हूं अब, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा केपी और ये हो गया, इसको मैं इधर ला रहा हूं ना, केपी माइनस केपी का एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा है अल्फा स्क्वायर और बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पी। ठीक, अल्फा वाला कॉन्सेप्ट को मैं एक साइड ले लेता हूं, तो ये मिल जाएगा आपको केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी और ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस केपी का ये अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, यहां पर बचा पी प्लस केपी, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा के टर्म पर दिया हुआ है, तो अल्फा के टर्म पर मैं इसको बनाता हूं, तो यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर केपी डिवाइड बाई केपी प्लस पी और अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट केपी केपी प्लस पी, ये इसके लिए सही आंसर होगा। बहुत लेंथी प्रॉब्लम था, कितना भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, आपको लगभग 10 मिनट ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, जो मेरे ख्याल से लगता है कि 100% में से 99% इसमें फेल हो गए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से निकलने वाला है, ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
अगला क्वेश्चन देते हैं, 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड 0.2 मोल सोडियम फास्फेट से अभिक्रिया करता है, बेरियम फास्फेट के निर्मित सर्वाधिक मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक, अब आपको देखिए यहां पर दिया है, पहला बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, एक मिनट स्याही डाल लेता हूं इसमें, चलो ठीक है स्याही आज नहीं है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है आपको। ठीक, ये बेरियम क्लोराइड हुआ, ये सोडियम फास्फेट हुआ। अब यहां से आपको बेरियम फास्फेट का कितना मोल बनेगा बोल रहा है, यहां से रिएक्शन में क्या बनने वाला है, बेरियम सल्फेट बनने वाला है, सॉरी फास्फेट बनने वाला है, बेरियम फास्फेट और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो देखते हैं यहां पर ये दो मोल लगेगा, सॉरी ये तीन मोल लगेगा और ये हो जाएगा, एक मिनट में लिखा हुआ देख लेता हूं उसको, नहीं तो फिर बैलेंस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तीन मोल दो मोल यहां पर तीन, ये हो जाएगा तीन और ये हो जाएगा सिक्स। ठीक, इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक, अपने को मतलब सिर्फ इतना है, रिएक्शन जब बैलेंस हो जाता है उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है और 0.2 मोल आपको दिया हुआ है सोडियम फास्फेट। अब यहां पर देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, जिसका कम मोल होगा उतना ही बन पाएगा, ठीक उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। यहां पर मैं लिया हूं 0.5 मोल और यहां पर है कितना, सिक्स, ठीक सॉरी थ्री, या इसको 0.5 को मैं बोल सकता हूं आधा, ये हो गया आधा गुणित तीन। लिमिटिंग फैक्टर में चेक करो ना किसका कम मोल है, जिसका कम मोल होगा उतना ही रिएक्ट करेगा, बाकी अनरिएक्टिव प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां पर देखते हैं तो ये 0.2 और यहां पर इसका है 2, ठीक तो यहां पर आपको मिलता है 1.6 और यहां पर मिलता है 1.10, दोनों में से छोटा कौन, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1.10 ये छोटा है, तो इतना ही मोल क्या करेगा, इसका इतना मोल रिएक्ट करेगा इससे और इतना रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम फास्फेट। तो यहां पर देखते हैं इतना मोल ही बनने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं 0.1/10 मतलब 1.1, क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, सेवन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आठवां नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एक विषमांक उत्प्रेरक का उदाहरण है, कौन एक विषमांक उत्प्रेरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल हेट्रोजीनस कैटालिसिस। पहला देखते हैं सिस कक्ष प्रक्रम में SO3 का निर्माण, सिस कक्ष प्रक्रम में SO3 का निर्माण, तो ये क्या है, होमोजीनस का होता है, क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, आयरन पाइराइट लेते हैं और इसको जला कर क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, फिर यहां पर इसे SO3 निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रम में जो उत्प्रेरक यूज होता है वो होता है लेड, PB। ठीक, तो यहां पर देखिए ये ठोस होमोजीनस सिस्टम, होमोजीनस कैटालिसिस। दूसरा देखते हैं संपर्क विधि में SO3 का निर्माण, संपर्क विधि में SO3 का निर्माण हम क्या करते हैं, यहां पर वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं और SO3 का निर्माण कराते हैं। यहां पर हम उत्प्रेरक यूज करते हैं एस्बेस्टस प्लेटिनम, ठीक प्लेटिनम, ये हो गया पाउडर फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका गैसियस, ये गैस ये सॉलिड, मतलब दोनों का जो स्टेट है वो अलग है, मतलब ये हेट्रोजीनस सिस्टम का उदाहरण बनाता है। अगला तो जो दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन उत्प्रेरित एस्टर का जल अपघटन, तो यहां पर सभी का सभी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये भी क्या हो जाता है, होमोजीनस, और MnO2 की उपस्थिति में KCl3 का विघटन, KClO3 भी सॉलिड होता है और MnO2 भी सॉलिड होता है, तो यहां पर भी होमोजीनस। तो हेट्रोजीनस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी, संपर्क विधि में SO3 का निर्माण, यहां पर वायुमंडली और यहां पर प्लेटिनम। अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्न तीन विलयन पर विचार करना है आपको, सोडियम एसिटेट, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला दिया है आपको सोडियम एसिटेट CH3COONA, तो यहां पर देखते हैं इसको डिजोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na, ठीक ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग ये साल्ट है, यहां से आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है। दूसरा इसी में मैं क्या करता हूं, CH3COOH डाल देता हूं और एक स्वतंत्र दिया हुआ है आपको CH3COOH, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया एसिड और बेस का मिक्सचर,
और ऊपर दिया है आपको एक बेस जो कि सोडियम एसिट्रेट था खाली, ठीक। ये दोनों का मिक्सचर एसिड बेस। अब देखिए एसिड का पीएच कम होता है, बेस का पीएच ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा? इसका होगा, किसका? ये इसको दिया है ए और मिक्सचर को दिया है बी और इसको दिया है सी। तो सी का पीएच कम होगा किससे? बी से, फिर ए का, ठीक। इस प्रकार से आएगा ऑप्शन नंबर ए, सी बी ए, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्न कथन पर विचार करना है और इस पर आपको बताना है, प्रधान क्वांटम संख्या एन वाले एक कोश में उपस्थित ऑर्बिटलों की कुल संख्या एन स्क्वायर होती है, क्या यह सही है? सत्य कथन आपको पूछा गया है, तो क्या यह सही है? तो इसमें देखते हैं, प्रधान क्वांटम संख्या एन वाले एक कोश में उपस्थित ऑर्बिटलों की कुल संख्या, यदि एन बराबर यदि वन रखता हूं तो यहां पर आपको बोला गया है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक। आप देखेंगे सिर्फ वन एस आपको मिलता है, यहां पर सिर्फ वन एस मिलता है, वन पी आपको नहीं मिलता, ठीक। तो यहां पर ये तो सत्य हो रहा है। अगला चेक कर लेते हैं, एन बराबर यदि मैं टू रखता हूं तो टू इंटू फोर, सॉरी कुल ऑर्बिटलों की संख्या बोला है ना, वन एस में कितना ऑर्बिटल है? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। तो यहां पर मैं दो का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करता हूं तो यहां पर आपको मिलता है चार, और देखिए यहां पर वन एस मिलता है और टू एस मिलता है और टू पी भी मिलता है, उपस्थित ऑर्बिटलों की कुल संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या एन के लिए एक कोश में, ठीक, एक कोश में बोला है ना, उस कोश में आपको बात करना है। तो यहां पर टू मैं लिया हूं तो टू में देखिए यहां पर टोटल आपको कितना मिल रहा है, पी में तीन होता है और एस में एक, टोटल मिला के कितना हुआ? चार। मतलब ये पहला जो कथन है वो सत्य है। दूसरा हम देखते हैं, एनवे ऊर्जा स्तर के लिए कुल उप कोषों की संख्या एन होती है, उप कोष की संख्या बोला है ना, एन ऊर्जा के लिए, मतलब अगर मुख्य क्वांटम संख्या एन है तो वहां पर उप कोष भी एन ही होगा, ये बोल रहा है। यदि मैं एन बराबर वन रखा, यहां पर यहीं से देख लेते हैं, चलिए ठीक है, एन बराबर वन रखता हूं तो आपको सिर्फ उप कोष ना, उप कोष मतलब एल, एल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एन माइनस वन होता है एल बराबर। तो यहां पर देखिए ए जीरो मिलेगा, एक उपकोष जो कि एस बोलते हैं, ठीक। एन बराबर टू रखता हूं मैं तो यहां पर फिर से एन एन के बराबर है बोल रहा है, तो यहां पर एन के बराबर जैसे कि एन बराबर टू देखते हैं वहां पर वन एस और टू एस टू पी, ठीक। तो यहां पर उपकोष की संख्या क्या मिला, जैसे कि एन बराबर टू रखा फिर से यहां पर वन एस लिख दिया, यहां पर टू एस और टू पी, मतलब यहां पर दो उपकोष है, तीन रखूंगा तो थ्री एस थ्री पी और थ्री डी, फोर रखता हूं तो फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एफ तक मिलता है। तो ये भी दूसरा कथन भी सत्य हो रहा है। तीसरा बोलता है, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक संख्या फोर एल प्लस टू द्वारा दिया जाता है, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक कितना दिया जा सकता है किसी भी उपकोष में फोर एल प्लस टू। यदि मैं सीधा सीधा बात करता हूं, एल बराबर मैं दो लेता हूं, ठीक, एल बराबर मैं दो लेता हूं तो यदि मैं फोर एल प्लस टू करता हूं, फोर एल प्लस टू क्वेश्चन के अनुसार से फोर इंटू टू प्लस टू, ये मिला टेन। टू मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल में दस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। आप दूसरा चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, एम बराबर एल प्लस टू, जहां एल द्विगंशी क्वांटम संख्या और एम चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो आपको पता होगा एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है टू एल प्लस वन होता है, इस प्रकार से इसका रिलेशन बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी बस गलत है, बाकी ए बी सी सही है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं वीडियो को, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का मूल माध्य वेग इस प्रकार से दिया हुआ है और पूछा गया दूसरा तापक्रम क्या होगा जब इतना वेग होगा, तो वर्ग माध्य मूल वेग बराबर सी आर एम एस करके भी डिनोट करते हैं इसको, इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम, इस प्रकार से इसके लिए फॉर्मूला होता है। आपको सिर्फ टेम्परेचर पर बात करना है तो यह होता है सी समानुपाती टी, सी समानुपाती टी होता है,
तो अब यहां पर देखिए C1 बटे C2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बटे T2 ये रख सकते हैं। पहला कंडीशन में आपको दिया हुआ है 3 × 10⁴ इज इक्वल टू टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, केल्विन पर ही बात करना है, टी यहां पर केल्विन स्केल पर होता है। और दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है इतना हो जाता है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, देखिए डबल हो रहा है जस्ट 3 × 3 × 6 तो ये 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 300/T2 तो ये इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ये 300/T2 तो T2 इज इक्वल टू मिल जाता है 4 × 12 ठीक 1200 ये क्या है केल्विन स्केल पर है, केल्विन स्केल पर ही आपको बात करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसमें मैं अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन जहां तक पॉसिबल आंसर है आपको अप्रोच कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन दिया है एक बफर मीडियम में 0.1 मोल सोडियम एसीटेट को 1000 cc 0.1 मोल एसिटिक मोलर एसिटिक अम्ल में विलय किया गया है, 0.1 मोल एसिटिक सोडियम एसिटेट को और मिलाया गया तो परिणामी बफर का पीएच क्या होगा। ठीक तो सबसे शुरू तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक तो वीक एसिड के लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर ये पीएच वैल्यू देते हैं, वो पीएच वैल्यू क्या होता है एक मिनट से ही डाल दिया हूं आर आर को। पीएच इज इक्वल टू ये देते हैं हम pKa प्लस log यहां पर आ जाएगा साल्ट बटे एसिड, कुछ इस प्रकार से इसके लिए फॉर्मूला देते हैं। ठीक इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। तो यहां पर देखिए आपको साल्ट में क्या दिया है सोडियम एसिटेट दिया हुआ है और साल्ट में आपको सोडियम एसिटेट दिया है, एसिड में सोडियम एसिटिक एसिड दिया हुआ है। अब यहां पर बोलता है 1000 cc में 0.1 मोल मतलब एक लीटर में हम यदि 1 मोल डिजोल्व करते हैं तो क्या कहलाता है 1 मोलर। तो यहाँ पर भी कोई कॉन्सेप्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0.1 मोलर ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिया गया है और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया गया है, फिर बाद में 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट को और मिलाया गया। फर्स्ट कंडीशन में जब हम बात करेंगे पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस यहाँ पर लॉग साल्ट का जो वैल्यू दिया गया है 0.1 ही लिया गया है और एसिड का भी 0.1 लिया गया है, ये कट जाता है, लॉग एक का जो वैल्यू आता है वो होता है 0, तो पीएच बराबर आपको मिलता है pKa। ठीक ये फर्स्ट कंडीशन में, जब बाद में 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट को और मिलाता है तो उस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जनरली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन देना था वो एसिड मिलाना था या तो बेस मिलाना था, लेकिन यहाँ पर क्या मिला है साल्ट मिला है। अब साल्ट मिलाता है तो एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा बना सकते हैं यहाँ पर pKa। अब यहाँ पर देखिए लॉग पहला कंडीशन में 0.1 था जो कि अब 0.2 हो गया और ये 0.1 ही है तो उस बेस पर हम इसको बोलेंगे 0.2 और 0.2 का जो वैल्यू होता है वो आता है सॉरी यहाँ पर 0.2 नहीं ये कट कुटा के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक यहाँ पर ये हो गया pKa log 2 तो यहाँ पर pKa प्लस log 2 मिलता है। आप सीधा सीधा व्यू करते हैं तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में बफर सॉल्यूशन में जब कोई एसिड या बेस मिलाते हैं तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देखिए CH3COH अब डिजोल्व किए तो CH3COO प्लस H मिलता है। अब जनरली यहाँ पर मैं एसिड मिलाता हूँ HCl मिलाया तो HCl मिलाते हैं तो क्या होता है H प्लस और Cl जो कि यहां से कंबाइन होकर फिर से वीक एसिड बना लेता है और सॉल्यूशन वहां पर फिर से हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ पाता तो इस कंडीशन में पीएच का वैल्यू वैसा ही रहता है। लेकिन यहां पर आपको साल्ट मिला के दिया थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं यहीं पर। अब ये CH3COH और Na जब डिजोल्व होता है तो ये कहीं ना कहीं CH3 और ये मिलकर Na के साथ मिलकर क्या बनाएगा फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा जो इसका बेसिक नेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा तो उस हिसाब से इसका आंसर ये जो दिख रहा है वैसा ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है जैसे कि डिजोल्व करेंगे जब यहाँ पर ये घट रहा है तो उस कंडीशन में जब पहले 0.1 था और वो 0.1 घट कर क्या हो जाएगा ये जो पहला का जो सोडियम एसिटेट था वो घट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं 0 करता हूँ और ये इसको
टू करता हूं। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि यहां पर, तो उस कंडीशन में जीरो जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आंसर कभी भी नहीं आने वाला। तो सही ऑप्शन कहीं ना कहीं ये होने वाला है, एक ये हो सकता है, या तो दूसरा पीएच का बफर का जो पीएच होता है वो रिजर्व होता है, तो उस कंडीशन में पी के ए। तो कंफ्यूज हूं मैं यहां पर, श्योर आंसर तो नहीं दे पा रहा हूं। पीएच बराबर पी के ए हो सकता है, या तो दूसरा ऑप्शन में लॉग प्लस लॉग टू हो सकता है, दोनों में से एक सही आंसर है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दिया है NO5 का, और इसके लिए बोलता है दर अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो आपको पता है जैसे कि ये N2O5 और ये टूटा NO2 प्लस O2 में, ये 4 और ये 2, तो आप क्या देते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर के लिए अभिकारक की सांद्रता में कमी बताते हो, दर बराबर अभिक्रिया की सांद्रता में कमी, डेल N2O5 dt कुछ इस प्रकार से देंगे। या तो अगर दर आप प्रोडक्ट में बताते हैं तो प्लस में बताते हैं 1/4 डी एन ओ टू डी टी, या तो आप दे सकते हो प्लस, यहां पर कोई मोल नहीं है, तो ये हो जाएगा डी ओ टू डी टी, कुछ इस प्रकार से आप दर के बारे में बता सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1/4 डी एन ओ टू बाई डी टी। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, चेक कर लीजिएगा। दाब के विस्तृत परास में तापक्रम जिसमें वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है उसको हम बाइल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्न कथन के मध्य कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कौन सा कथन सही नहीं है करके बोला जा रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, दूसरा आप बोलते हैं एच आई एच बी आर और एच सी एल एच एफ, इसको आप क्या बोलते हो, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक, और इसको बोलते हो आप प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इस प्रकार से आप जानते हो। अब यहां पर मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को निकालूं और यहां पर माइनस चार्ज लगाता हूं, तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से, ठीक, ये क्लोरीन माइनस, सॉरी बी आर माइनस, क्लोरीन माइनस और फ्लोरीन माइनस। ठीक, आपको पता होगा कोई ब्रॉन्सन तरीके से ध्यान के अनुसार से देखते हैं, प्रबल अम्ल का कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक होता है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक होगा। तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये प्रबल अपचायक था लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट क्या है वो वीक होता है, दुर्बल हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, अब ये दुर्बल अपचायक होगा। मतलब प्रबल अपचायक कौन है ये, क्योंकि ये प्रबल क्या था? ये दुर्बल अम्ल था और यहां पर ये क्या है, दुर्बल अपचायक है। दुर्बल अपचायक का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्रबल होगा, तो इसलिए ये प्रबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अपचायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, अब इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, सही है। दूसरा आयोडीन माइनस आयन प्रबल अवकारक है, प्रबल अपचायक है, जो कि गलत हो रहा है, सबसे दुर्बल अपचायक होता है, बाकी जो कंडीशन दिया हुआ है वो सब सही है। अगला जिसमें जो दिया हुआ है सी थ्री सी एल ओ माइनस और सी एल ओ थ्री माइनस प्लस टू सी एल, ठीक, इसको बोला गया है विषमानुपातन अभिक्रिया है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। यहां पर आप देखेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, यहां पर चेक करें और यहां पर चेक करेंगे, तो यहां से यहां जाते हैं और यहां से यहां जाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, यहां से यहां जाते हैं तो जीरो हो रहा है और यहां से यहां आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां पर एक तो घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों हो, बढ़े भी और घटे भी, तो उसको हम विषमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं, तो ये भी सही है ऑप्शन डी। तो इसमें से सही जो सही नहीं है वो कथन है ऑप्शन नंबर बी 16 का। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि स्थिति और संवेग का अनिश्चितता समान हो तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी। तो अब देखिए, आपको पता होगा डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू होता है एच बाई फोर पाई। अब यहां पर बोला गया है इसमें और इसमें डेल एक्स और डेल पी, इसमें जो अनिश्चितता है वो समान है, तो हम बोल सकते हैं डेल एक्स डेल पी बराबर क्या लिखते हैं, डेल पी बराबर हम एम डेल भी लिखते हैं। ठीक, तो यहां पर डेल एक्स और डेल एम सॉरी एम डेल भी लिखा जा सकता है,
डेल एक्स बराबर डेल पी होता है, डेल पी बराबर डेल एम डेल वी होता है, तो डेल एक्स बराबर मैं एम डेल वी लिख सकता हूँ। और ये बोला है कि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पर बराबर क्यों क्वेश्चन में बोला इसलिए। अब बोलता है आपको वेग में अनिश्चितता क्या होगी, तो मैं एक्स बराबर क्या लिखूंगा एम डेल वी लिखता हूँ इंटू एम डेल वी, क्योंकि डेल वी बराबर तो उतना होता ही है एच बाई फोर पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एम डेल वी का ये स्क्वायर एच बाई फोर पाई, तो ये हो जाएगा एम डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच बाई फोर पाई। इसको अगर सॉल्व करते हैं डेल वी बराबर तो ये हो जाएगा वन बाई एम, फोर बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा टू और अंडर रूट में बच जाएगा एच बाई पाई। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कोई ये दिया हुआ है इसके लिए वेग में अनिश्चितता इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हाइड्रोजन गैस अधिकता में अधिशोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पैलेडियम का कोलाइडिंग विलयन बहुत ही अधिक मात्रा में हाइड्रोजन को अधिशोषित करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है एक अति अल्प विलेय लवण की विलेयता एस है विद्युत विशिष्ट चालकता के जिसको कप्पा बोलते हैं एवं शून्य सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता के मध्य संबंध क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर है, लेमडा जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर विशिष्ट चालकता लेते हैं इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई, अगर मोलर चालकता के बारे में बात करते हैं तो मैं यहां पर एम लेता हूं ठीक। अब यहां पर मोलर चालकता क्या होगा, जितना मोलरता होगा उतना ही यहां पर क्या होता है सॉल्युबिलिटी, वहीं से हम कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। तो सीधा सीधा मैं एम को क्या रिप्लेस करूंगा सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी लैम्डा जीरो, और इसी को आपको कुछ ऐसा घुमाकर क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक। अगला जो क्वेश्चन दिया गया फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व के लिए किस विद्युत अपघट्य का फ्लोकुलेशन वैल्यू जिसको हम उन्नत मान के नाम से जानते हैं सर्वाधिक होगा। तो फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है, उन्नत मान जो होता है कोएगुलेशन वैल्यू का जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि उन्नत मान फ्लोकुलेशन वैल्यू ये स्कंदन वैल्यू का जस्ट उल्टा होता है, स्कंदन वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होता है उसके लिए उन्नत वैल्यू सबसे कम। तो यहां पर पूछा है आपको सर्वाधिक होगा, मतलब कोएगुलेशन वैल्यू किसके लिए, जिसके लिए कम होगा वही फ्लोकुलेशन वैल्यू का सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। एफी फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व क्या होता है, पॉजिटिव सॉल्व होता है, तो पॉजिटिव सॉल्व के लिए अपने को क्या खोजना पड़ेगा, निगेटिव खोजना पड़ेगा। अब निगेटिव में देखिए तो पहला ऑप्शन NaCl, यहां पर Cl माइनस, NaCl में आपको क्या मिलेगा Cl माइनस, दूसरा में आप देखते हैं Na2S में तो यहाँ पर एस टू माइनस मिलेगा, और तीसरा जो अमोनियम फास्फेट दिया है ये फास्फेट में आपको थ्री माइनस मिलेगा, और आपको अगला दिया है SO4 टू माइनस, तो इसमें देखिए यहाँ पर टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस, और यहाँ पर देखते हैं तो ये वन माइनस। इसका अंदर वैल्यू बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसके लिए होता, लेकिन उन्नत मान के लिए बात करेंगे सबसे ज्यादा इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट NaCl। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्स मोलल विलयन में विलय का मोल प्रभाव पॉइंट 23.7 इतना कुछ दिया हुआ है, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स क्या है मोल है सांद्रता है, सांद्रता मोलल विलयन एक्स सांद्रता है और मोल प्रभाज का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको इसको कैलकुलेट करना है क्या होगा एक्स का मान, मतलब सांद्रता क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दो घटक दिया हुआ है, एक तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है और दूसरा आपको एक विलय दिया हुआ है ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक विलय दिया है जिसका एक्स मोल बोला गया है और इसकी सांद्रता पूछा गया एक्स का वैल्यू क्या होगा ठीक। मोल प्रभाज का वैल्यू दिया गया है किसका, विलय का मोल फ्रैक्शन, जिसको हम मोल फ्रैक्शन को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ये छोटा ले रहा हूं मैं इसको बड़ा ले रहा हूं ठीक, इसको मैं दिया एक्स भी और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से 23527 इतना मोल प्रभाज का वैल्यू दिया गया है। अब हम इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे, मैं बोला था पहले क्वेश्चन में वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर ये रिलेशन दिखाता है, तो वहां से वही क्वेश्चन है कैसे रिलेशन नहीं मिलता है देखते हैं। अब देखते हैं मैं यहां पर चेक करते हैं, यदि मैं इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा और इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा, आपको पता होगा एक्स एक किसी विलयन में उपस्थित कुल मोल प्रभाज का योग कितना होता है वन होता है, एक तो आपको ये पता होगा। दूसरा हम एक ये चेक कर लेते हैं, यदि मैं दोनों का डिवाइडेशन लेता हूं अनुपात लेता हूं तो एक्स ए एक्स बी बराबर क्या लिखूंगा,
इसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, कुल मोलों की संख्या, दो घटक है यहां पर एन ए एन बी, ठीक, फिर हो जाएगा एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ऐसे उल्टा करेंगे तो उल्टा में ये कट जाएगा, एक्स बी एक्स ए डिवाइड बाई यहां पर ये क्या हो जाएगा एन ए सॉरी एन बी बटे एन ए। मोलों की संख्या का हम क्या लेते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, फिर से बटा करूंगा और बटा करके मैं क्या लिखूंगा डब्ल्यू ए बटे एम बी, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए, इस प्रकार से लिखा जा सकता है किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, मैं इसको और इसको पकड़ रहा हूं ना, इसको मैं यहां पर थाउजेंड से गुणा करता हूं या थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं पहले, एक्स बी बटे एक्स ए और ये एम ए को मैं यहां, अब इसको भूल जाएगा ना बीच में, ये वाला पोर्शन को भूल जाइए आप, और यहां से यहां रिलेशन करते हैं, एम ए को मैं नीचे ला रहा हूं इधर, तो ये हो जाएगा एम ए, तो यहां पर बचेगा डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू वन बाई डब्ल्यू ए। अगर मैं इसको सांद्रता में चेंज करूंगा तो यहां पर मेरे को थाउजेंड लाना पड़ेगा, ठीक, तो दोनों तरफ मैं थाउजेंड का गुणा करता हूं, यहां पर भी थाउजेंड का गुणा किया और यहां पर मैं थाउजेंड का गुणा किया। आपको देखिए ये मोलालता का फॉर्मूला दिख रहा होगा, सॉरी मोलालता का फॉर्मूला दिख रहा होगा, मोलल पूछा गया है ना इसमें, ये डब्ल्यू ए मतलब मोलल के लिए होता है, तो ये मोलालता का फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं मोलालता बोलूंगा इसको, ठीक। तो अपने को क्या मिला इसके बराबर, ये मिला है। अब देखते हैं अपने को एक्स ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक, एक्स ए के बारे में अपने को कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं इसको एक्स बी में चेंज करूंगा, तो यहां से चेंज कर सकता हूं, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स ए, सॉरी एक्स ए बराबर लेना है, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बी हो जाएगा। पेन को क्या हो गया, चल नहीं रहा स्याही डालने के बाद भी। तो यहां पर देखिए एक्स ए को मैं लिखता हूं अब एक्स बी इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई वन माइनस एक्स बी इंटू एम ए बराबर, और यही एक्स का वैल्यू होगा, कितना मोल है एक्स का वैल्यू, ठीक। एम ए का वैल्यू आप यहां से रखेंगे, ये क्या है एम ए विलायक हो रहा है, यहां पर सीसीएल फोर में विलय किया गया, सीसीएल फोर विलायक है और विलायक का अणु भार निकालना है आपको, तो विलायक का अणु भार क्या होगा, सीसीएल फोर का अणु भार जो होगा वो होगा 154 इसके लिए अणु भार हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर एक्स बी का वैल्यू आप ये रखेंगे एक्स बी के वैल्यू और एम ए का वैल्यू आप रखेंगे 154, तो ये निकल जाएगा सीधा सीधा, मैं फाइनल आंसर लिखता हूं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने पर इसका जो फाइनल आंसर मिलता है ये मिलता है 2.0, ठीक। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा 2.0, ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। अगला जो क्वेश्चन दिया है, जब एक लेड संचायक बैटरी का डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, लेड संचायक बैटरी का जब डिस्चार्ज होगा तो H2SO4 का उपयोग होता है, यहां पर जब हम चार्जिंग करते हैं ना, इसको चार्ज करते हैं तो लेड ऑक्साइड PbO2 और लेड और H2SO4 का निर्माण होता है, ठीक, उसका क्या होता है निर्माण होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो PbO और H2SO4 आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब ये रिएक्ट करते हैं और लेड सल्फेट और जल का निर्माण करता है, तो यहां पर H2SO4 का क्या हो जाता है उपयोग हो जाता है, यूज हो जाता है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा डिस्चार्ज के लिए H2SO4 का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर का क्वेश्चन जो कि पिछले बार भी पूछा गया था शायद तक, इसमें बोला गया है किस तापक्रम पर शुद्ध जल का मोलरता और मोललता, मोलेरिटी और मोलालिटी दोनों सेम होगा, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जल के लिए बोला गया है ना, जल का भी जली विलयन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, यहीं पर इसकी मोलरता और मोललता आपस में बराबर होती है, अगर इसको हम केल्विन स्केल पर लेते हैं तो 273+4 = मिलता है 277 केल्विन, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा 277 केल्विन होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किस परिस्थिति में किसी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन अपेक्षाकृत तापक्रम से स्वतंत्र होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक, तापक्रम से स्वतंत्र होगा, तापक्रम पर डिपेंड कौन कर रहा है एंट्रोपी, तापक्रम से स्वतंत्र ये है, लेकिन कंडीशन आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तब तो ये ताप से डिपेंड नहीं करेगा, अगर ये एंडोथर्मिक होता है तो आपको इसको ताप देना पड़ता है,
ये ताप निकालता है बाहर, रिएक्शन को ताप देना नहीं पड़ता, तो ताप कम से स्वतंत्र कौन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिसके लिए अब बोलोगे निगेटिव मतलब जीरो से कम है, ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए। जब जिंक धातु को मैग्नीशियम नाइट्रेट एवं सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में मिलाते हैं तो नीचे कथन दिया गया है और कथन में से बोला गया है, कथन के अनुसार से आपको बताना है क्या होता है, ठीक। तो आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, अगर ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी पर हम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण क्षमता घटती है, सॉरी अपचायक क्षमता घटती है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला नीचे वाले के, नीचे वाले को उसके विलयन से, विलयन मतलब आयन, आयन से उसको धातु में क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। ऊपर वाला नीचे आयन को धातु में जमा कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं कर सकता, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप पहला रहता है, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है सिल्वर, कुछ ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट में आपको दिया है जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ठीक। इसमें क्या बोला है, जिंक धातु को मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब क्या बोल दिया, आयन रूप में, मैग्नीशियम यहाँ पर आयन रूप में है, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब सिल्वर भी नाइट्रेट रूप में है, मतलब यहाँ पर क्या है, जिंक है, मैग्नीशियम 2+ है और सिल्वर प्लस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। अब इसमें बोलता है जिंक का ऑक्सीकरण होगा, ऊपर वाला नीचे वाले आयन को, ऊपर वाला नीचे वाले आयन को डिपॉजिट कर सकता है। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये पहला इस प्रकार से आने वाला है, ठीक। ऊपर वाला नीचे वाले को उसके आयन से धातु में जमा कर सकता है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा क्या, ये कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये इसको ऑक्सीकरण में चेंज कर सकता है, तो जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ये तो कर सकता है ना, ये क्या कर देगा, इसको क्या करेगा, इसके आयन से कर सकता है, तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब पहला ऑप्शन जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ये सही है। दूसरा देखिएगा, Mg2+ का अवकरण होता है, Mg2+ का अवकरण होगा, ठीक। क्या ये इसके आयन से, इसको आयन से ये क्या कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, तो ये इसको कर सकता है, लेकिन ये इसको डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन इसको क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए था ना, ये क्या है, आयनिक फॉर्म है, आपको ऑलरेडी ये क्या है, आयनिक फॉर्म में है, तो यहां पर इसका अवकरण नहीं होने वाला, तो दूसरा ऑप्शन क्या है वो गलत होगा, और Ag+ का अवकरण होगा, आप रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं, यहां से अवकरण हो जाएगा, तो यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है Mg2+ का अवकरण होता है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा केवल ए एवं सी, ठीक, केवल ए एवं सी इसके लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, एंटी फ्लोराइड संरचना में धन आयन उपस्थित है, तो एंटी फ्लोराइड संरचना हम क्या बोलते हैं, CaF2 को हम बोलते हैं फ्लोराइड संरचना, और एंटी फ्लोराइड संरचना में हम लेते हैं Na2O। तो यहां पर बोला गया है आपको धन आयन कहां पर उपस्थित रहता है, जनरली हम क्या बोलते हैं, जो एन आयन होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, मतलब क्लोज पैकिंग बनाता है। अब यहां पर एंटी फ्लोराइड संरचना में ये कहां पर रहता है, FCC संरचना में पाया जाता है एन आयन, मतलब जो ऑक्सीजन है वो कहां पर होता है, FCC में पाया जाता है, और यहां पर जो धन आयन होता है वो रिक्ति में पाया जाता है, और वो होता है अष्टफल की रिक्ति, सभी अष्टफल की रिक्ति में सोडियम आयन पाए जाते हैं। अगर दूसरा यहां पर हम बात करते हैं तो Na FCC संरचना में होता है, और आधा अष्टफल की रिक्ति में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, यहां पर पूरा में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर 2+ चार्ज होता है, यहां पर सोडियम पर सिंगल चार्ज होता है, तो सभी चतुष्फल की संरचना में ये पाया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, सभी स्थिर आयतन पर ठोस बेंजोइक अम्ल की दहन ऊष्मा 27°C पर, कुछ ये वैल्यू दिया गया है और बोलता है कि दहन ऊष्मा क्या होगी, तो ये क्वेश्चन तो एक तो गलत है, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा देखते हैं। आपको बोला गया है बेंजोइक अम्ल को दहन कराना है, C6H5COOH और CO2 ऑक्सीजन के साथ दहन कराना है, दहन कराने पर हमेशा CO2 और H2O का निर्माण होता है। आप रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15/2 और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 6 है और ये 7 हो गया, तो यहाँ पर 7
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन कितना है, 5 और एक 6, 6 तो यहाँ पर ये 3, कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, 7 × 14, 14 × 1 = 15, 15/2। ठीक, रिएक्शन बैलेंस। अब आपको बोलता है यहाँ पर आपको दहन उष्मा के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, दहन उष्मा क्यू, आप तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल भी, या तो यहां पर हम लिखते हैं डेल एन आर टी। ठीक, तो यहां पर डेल एन आर टी वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको हम रखेंगे। स्थिर दाब पर दी गई उष्मा क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है, और स्थिर आयतन पर दी गई उष्मा एंट्रोपी कहलाता है। तो यहां पर डेल एन आर टी हो जाता है। डेल एन का वैल्यू यहां पर क्या है, आप रिएक्शन से चेक कीजिए, तो यहां पर देखते हैं ये क्या होता है, गैस होता है, और ये क्या होगा, H2O है, जल होगा। तो यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप देखिएगा यहां पर चेक कीजिए, तो यहां पर 7 प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को आप माइनस करते हो, ये क्या है, 15/2 मतलब यहां पर आपको क्या मिलता है, 0.5 मोल मिलेगा, 15 × 7.5, तो ये 0.5 मोल मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको माइनस में। ठीक, तो अब यहां पर डेल एन का वैल्यू आपको मिला -0.5, यहां पर हम रखेंगे इस फॉर्मूला में। आपको दिया गया है, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, स्थिर आयतन पर दिया गया है वैल्यू, स्थिर आयतन पर वैल्यू कितना दिया है, क्यू भी का वैल्यू दिया गया है 32.30 माइनस में। ठीक, और यहां पर प्लस डेल एन रखेंगे -0.5, और आर का वैल्यू आपको एज इट इज दिया हुआ है, और टी का वैल्यू आपको रखना है कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह 300 केल्विन 27 का। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 32, अब यहां पर देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया 321, तो ये क्वेश्चन होना था 321 यहां पर, ना कि 32.3, तो ये क्वेश्चन गलत है। आप इसमें दावा आपत्ति करना चाहें तो कर सकते हैं, 321 - 30, इसको जब सॉल्व करेंगे 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150, तो ये हो जाएगा -32130 - 150 R, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर अगर चेक करेंगे 27 में सी। आणविक मात्रा ज्ञात करने में हमेशा कपूर का यूज करते हैं, इसका सरल आंसर है सीधा, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसका हिमांक मितीय स्थिरांक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है, 1 मोल H2O2 का O2 में ऑक्सीकरण करना है आपको। ये भी क्वेश्चन जहां तहां गलत है, यहां पर H2O2 ना होकर इसको होना था H2O, लेकिन क्वेश्चन में H2O2 दिया है, हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाला कुछ सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, H2O होना था, और उसका सॉरी ऑक्सीकरण करेंगे, इसका ऑक्सीकरण तो कितना O2 बनना है यहां पर। ठीक, तो इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम इसको बनाते हैं तो कितना कूलम की आवश्यकता होती है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 1 फैराड की आवश्यकता होती है, जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। ठीक, अब यहां पर आप देखिए H2O2 ही मैं मान के चलता हूं, तो यहां पर इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर फ्री फॉर्म में नहीं निकलेगा, यहां पर O2 बनाना है तो यहां पर इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। यहां पर चेक करते हैं, यहां पर 2- और यहां पर ऑक्सीजन। ठीक, उस आधार पर आप देखेंगे आप यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहां पर हेर फेर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड जिसका वैल्यू होता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराड, तो यहां पर मैं 96,500 में 2 का गुणा करता हूं तो ये मिल जाएगा 193 × 10^5। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी पॉइंट में होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 29 का ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वंडरवाल अवशोषण के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है अधिशोषण उष्मा लगभग 20 से 40 किलो जूल उष्मा की आवश्यकता होती है, वंडरवाल मतलब भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण उष्मा इसके लिए लगभग आपको 2 से 40 तक जूल में यह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उच्च क्रांतिक तापक्रम वाले गैसें सरलता से अधिशोषित हो जाता है, आपको क्या पूछा है, गलत कथन, तो उच्च क्रांतिक तापक्रम वाले गैसें सरलता से अधिशोषित होता है, ये भी सही है।
अगला जो देखते हैं, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, तो यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, कहीं भी हो जाता है। विशिष्ट प्रकृति का सिर्फ और सिर्फ केमिकल होता है, जिसके लिए केमिकल, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल हो वहीं पर होता है, तो विशिष्ट प्रकृति का केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। और ताप वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है, ताप वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा वृद्धि होती है, लेकिन वो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखते हैं तो ताप वृद्धि के साथ एडजॉर्प्शन घट जाता है। तो इसमें जो सी और डी है वो कथन गलत है, तो इसके लिए जो गलत कथन का चुनाव करना था ये है ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गया पूरा फिजिकल पोर्शन का सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो लगे रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, जल्द ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी सॉल्व क्वेश्चन अपलोड जल्द ही कर दूंगा। अभी मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टेंटली पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।